मैं तो पहली बात तो गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ, दूसरी बात नहीं बना पा रहे हो तो मेरे पास भेज दो, क्लास के बाद मैं फ्री होऊंगा, मैं बना दूंगा भाई। और बताओ, कई स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि नोट सर हम तो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है, और उनको रिवाइज कर लेते हैं। सर देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोगों में डिफरेंस है जनरेशन का ना, ठीक है। मेरा ये मानना है, नोट्स अपने हाथ से लिखे हो ना तो उनका मज़ा ही कुछ और होता है, कुछ और ही मज़ा होता है, लेवल ही कुछ और चला जाता है। तुम ये बात छोड़ो, मतलब कि मैं MSc में था, मेरे 2-3 चैप्टर्स के कोई नोट्स थे, स्टेपल किए हुए थे, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथों के बनाए हुए नोट्स मिसप्लेस हो गए। अच्छी बात ये थी कि वही नोट्स मैंने मेरे किसी दोस्त ने मुझसे 1-2 महीने पहले फोटोस्टैट कराए थे, ठीक है, नोट्स मेरे थे, उसने फोटोस्टैट करा रखे थे, मेरी जो ओरिजिनल कॉपी मेरे पास थी वो गुम हो गई। मैंने सोचा यार मेरे नोट्स हैं उसके पास पड़े हुए, अब मैं उससे फोटोकॉपी करा लेता हूँ। मेरी हैंडराइटिंग के ही नोट्स मैंने उससे फोटोकॉपी कराए और मुझे फील नहीं, पढ़ना था, मजबूरी थी, बट वो फील नहीं आया, मतलब कि आई ऑलवेज लैक दैट फील, ठीक है, कि यार जो अपनी चीज होती है ना वो अपनी होती है। तो अगर आप एक बार नोट्स खुद बनाएंगे ना, आधी चीजें रिवीजन में तो उसी टाइम हो जाएंगे, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। देखो, हो सकता है किसी के लिए कुछ और वर्क करता हो, मैं कोई भगवान तो मैं भी नहीं हूं ना यार, ठीक है, तो हो सकता है जो आपके लिए वर्क करता हो वो अच्छा हो बेटा, अच्छा हो, ठीक है, बट मैं उस जनरेशन से नहीं हूँ कि जिसने कभी प्रिंट आउट वगैरह निकाला और अपने नोट्स ना बनाए और पढ़ना शुरू कर दिया। तो माइट बी यू आर राइट, बट इट्स बेटर नॉट टू टेक रिस्क, है ना, ड्रॉपर बच्चे हो आप।